ये रहे आपके सब प्रश्न पत्र। व्हाइटनर का उपयोग करना मना है। यदि किसी भी विद्यार्थी के पास हो तो कृपया मेरे पास जमा कर दें। सभी को शुभकामनाएं। समय समाप्त। कृपया अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर दें। मैम, व्हाइटनर का इस्तेमाल करना क्यों मना है? व्हाइटनर एक हानिकारक पदार्थ है। इसको सूंघने से दिमाग और तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। ये ड्रग लेने की लत को भी बढ़ावा देती है। हमारी सरकार ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के द्वारा करेक्शन फ्लूइड, व्हाइटनर आदि का उपयोग करने पर रोक लगा दी है। अच्छा, अब मैं समझा। और अब मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा। धन्यवाद मैम। विजय, हमारे स्कूल का जोनल फुटबॉल मैच अगले महीने होगा। तुम टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हो, लेकिन अभ्यास करने नहीं आते हो। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल अभ्यास करूंगा। इरफान, तुम्हें विजय के बारे में कोई जानकारी है? वह इन दिनों तनाव में दिखता है और उसका व्यवहार भी बदल गया है। आप सही कह रहे हैं सर, मैं उससे बात करूंगा। दुकान वाले से कहो कि वह अपनी दुकान यहाँ से हटा ले। सरकार के आदेशानुसार 18 साल से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है और शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में भी तंबाकू उत्पाद बेचना वर्जित है। विजय, तुम अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है? इरफान, मुझे मदद की जरूरत है। तुम्हें तो पता ही है कि मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही है और परीक्षा भी शुरू होने वाली है। इससे मेरा तनाव बढ़ गया है। हाल में मेरी दोस्ती मेरे पड़ोस के कुछ बड़े लड़कों से हो गई है। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे तनाव दूर करने के लिए सिगरेट और कुछ पाउडर जैसी चीज दी थी। मैंने वो इस्तेमाल किया और अब उसकी लत लग गई है। वो लड़के मुझे घर से पैसे चुराने और उन्हें देने के लिए कहते हैं। ओहो विजय, ये तो खतरनाक है। मुझे लगता है हमें तुरंत तुम्हारे माता पिता से या टीचर से मदद लेनी चाहिए। धन्यवाद इरफान, मैं अपने पीटी टीचर से बात करूंगा और रोजाना फुटबॉल का अभ्यास करने की कोशिश करूंगा। विजय, उठ जाओ। क्या किसी को पता है इसे क्या हुआ है? इसने मुझे बताया कि इसके कुछ दोस्तों ने पाउडर जैसा कुछ मादक पदार्थ दिया था। ओ नहीं, ये तो गंभीर मामला है। कृपया प्रिंसिपल को बताओ और हम इसे अस्पताल ले चलते हैं। कृपया कोई इसके माता पिता को भी सूचित कर दो। विजय अब खतरे से बाहर है। हमें इसमें नशा लेने के कुछ शुरुआती लक्षण दिखे हैं और कुछ दिनों तक इसका इलाज चलेगा। हमें विश्वास है वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर, आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। मैं हमारे आसपास हो रही समाज विरोधी गतिविधियों की शिकायत स्थानीय पुलिस को दर्ज कराऊंगा। डॉक्टर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से हमारे सीनियर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता शिविर लगाने और परामर्श कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध करूंगा, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे नशीले पदार्थों के चंगुल में नहीं फंसे। और इस प्रयास में उनके माता पिता को भी शामिल होने का आग्रह करूंगा। हम इस कार्यक्रम में बतौर वक्ता आपको आमंत्रित करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, मैं जरूर आऊंगी। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, शराब, तंबाकू और नशा लेने की शुरुआत आमतौर पर किशोरावस्था में होती है। कुछ जिज्ञासा वश लेते हैं तो कुछ यार दोस्तों के जोर देने पर, और कुछ अन्य चिंता या मन में हीन भावना घर कर जाने की वजह से। इसका असर हमारी पढ़ाई पर, स्कूल से लगाव और अन्य गतिविधियों में भागीदारी पर पड़ता है। इसलिए आप सभी नशे को ना कहें और मादक पदार्थों से दूर रहें। मदद के लिए अपने माता पिता, टीचर या फिर दोस्तों से बात करें और किसी विश्वसनीय व्यक्ति की मदद लें। मैम, आप टीचर और माता पिता से कुछ कहना चाहेंगी? प्रिय शिक्षक और माता पिता, कृपया बच्चों से अपनापन बढ़ाएं और उनसे बात करें। इससे बच्चों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बना रहेगा। कृपया उन्हें सामाजिक कामकाज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम सब मिलकर स्कूल को तंबाकू मुक्त रखने का संकल्प लें। धन्यवाद। बचपन और किशोरावस्था में बच्चों पर कई कारणों से नशीले पदार्थों के चंगुल में फंसने का खतरा रहता है, जिसमें उन पर और आसपास के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नशीले पदार्थों का बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य और कुल मिलाकर उनकी खुशियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
इसलिए उनके माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करें जो उनके आत्मसम्मान को बनाए रखने में सहायक होगा और उनमें जिम्मेदार नागरिक बनने की क्षमता का विकास करें। विद्यार्थियों को बुरी आदत में साथ देने वालों से दूर रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों, शिक्षकों, माता पिता और किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों की मदद लेनी चाहिए। बच्चों, नशीले पदार्थों के खिलाफ इस जंग में आप अकेले नहीं हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है कि नशीले पदार्थों की रोकथाम और इस समस्या का निदान करें।